जबलपुर संसदीय सीट पर निर्वाचन के लिए नामांकन की प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई। हालांकि पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी हैरान हो गए। जबलपुर संसदीय सीट से भाग्य आजमाने के लिए एक निर्दलीय उम्मीदवार 25,000 की जमानत की राशि 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के के रूप में लेकर पहुंच गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि ऐसे लोग प्रशासन को परेशान करने के लिए आते हैं। दरअसल हुआ यूं कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन लेने पहुंचे विनय चक्रवर्ती ने जब निर्वाचन कार्यालय में जमानत राशि के रूप में एक पोटली रख दी तो सब चौंक गए। अधिकारियों ने जब इस पोटली को खोलकर देखा तो उसमें 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के थे। विनय चक्रवर्ती ने कहा कि नामांकन के लिए राशि जमा करने में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें सिक्के लेकर आना पड़ा। बताया जाता है कि 25,000 रुपए के सिक्के गिनने में अधिकारियों को आधा घंटे का समय लग गया। इसे लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय में काफी देर तक गहमा गहमी भी बनी हुई थी। हालांकि अधिकारियों ने सिक्के गिनने के बाद विनय चक्रवर्ती को नामांकन पत्र का सेट जारी कर दिया। इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि विनय चक्रवर्ती ने नामांकन पत्र लेते वक्त 2, 5 और 10 हजार रुपए जमानत के तौर पर जमा किए। वैध मुद्रा होने के कारण सिक्के गिनने के बाद नामांकन पत्र दे दिया गया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की घटनाएं प्रशासन को परेशान करती हैं। आज विनय चक्रवर्ती जी यहाँ आए थे, उन्होंने पैसे जमा कराए हैं, 25,000 रुपये जमा करा के उन्होंने रसीद कटाई है और 25,000 रुपये की जो राशि है उन्होंने 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के सिक्के के रूप में जमा कराई है। ये ठीक है, खैर मुद्रा भारतीय मुद्रा है, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि लोग जानबूझ के परेशान करने की नीयत से और केवल एक फुटेज लेने के लिए मीडिया का उसके लिए आते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे अधिकारी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, चुनाव जैसे संवेदनशील उसमें काम कर रहे हैं, तो उनको सहयोग करना चाहिए। पर फिर भी यदि इस तरह के लोग आते हैं तो हमारी तो कानूनी बाध्यता है कि हम उसको लें, उसको उसके करते हुए उनको फीस भी उनकी जमा कराई गई और रसीद भी उनको दे दी गई। कलेक्टर सक्सेना ने कहा कि चुनाव जैसे संवेदनशील काम में वे लगे हुए हैं, उन्हें सहयोग करना चाहिए, फिर भी इस तरह लोग आते हैं तो हमारी कानूनी बाध्यता है कि हम उनके काम पूर्ण करें। वैसे विनय चक्रवर्ती की भी फीस जमा करके रसीद दे दी गई है।